बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश किस्म की बैंगल्स के डिज़ाइन लेकर आई हूँ, वो भी सिल्क थ्रेड की बैंगल्स। जैसा कि आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ सिल्क थ्रेड से काम किया गया है। सिल्क के धागे के साथ इनके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनिंग की गई है। सिल्क के कलर्स बहुत ही ब्राइट ब्राइट होते हैं, तो ब्राइट ब्राइट कलर्स के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ इनको लपेटा गया है और इनके ऊपर काम किया गया है। बहुत ही खूबसूरत काम है ये, यकीनन आपको ये तमाम डिज़ाइन अच्छे लग रहे होंगे। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए एक मॉडल के तौर पर डिज़ाइन लेकर आए हैं जो कि यकीनन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। इनके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का काम किया गया है, छोटे छोटे मोतियों का भी और ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े मोतियों का भी, साथ साथ मिरर वर्क भी किया गया है इनके ऊपर, जो कि यकीनन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मुख्तलिफ किस्म के कलर्स यूज़ किए गए हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं दो दो कलर्स को मिलाकर इनको ज़बरदस्त तरीके से इन बैंगल्स को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये बैंगल्स। इन ज़्यादातर डिज़ाइन में दो दो कलर्स यूज़ किए गए हैं, जैसा कि आप इनको देख रहे हैं, दो दो कलर्स के साथ इनको ज़बरदस्त तरीके से धागे का काम किया गया है इनके ऊपर, जो कि यकीनन आप भी कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है काम। मोटी मोटी आप कड़े मोटी मोटी चूड़ियाँ ले लें, या बारीक चूड़ियों पर भी इस तरह का काम कर लें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इनके ऊपर कुछ मोतियों का काम हो जाए और कुछ ज़बरदस्त तरीके से थ्रेड वर्क हो जाए तो ज़बरदस्त तरीके से हमारी चूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। मिरर वर्क से चूड़ियों कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हैं, जैसा कि आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ी बड़ी वाली चूड़ियों के ऊपर मिरर वर्क थोड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये चूड़ियाँ तैयार हो सकती हैं। जैसा कि आप इनको देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये वाले डिज़ाइन, और इनके कलर्स आप देखिए, दो दो कलर्स को मैच करके कलर एक ही चूड़ी के ऊपर बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, दोनों कलर सबसे, लेकिन एक डार्क है और एक लाइट पैरेट वाला कलर, और इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करके हमारे ज़्यादा सी बैंगल्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार कर दिया गया है। इस तरह की बैंगल्स हम तैयार करके यहाँ खरीद कर हम किसी भी फंक्शन के मौके पर पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे ये डिज़ाइन हमारे पहने हुए। इस तरह के डिज़ाइन अगर आप घर पे भी बनाना चाह रही हो तो आप आसानी के साथ बना सकती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा सा हाथ का काम होगा तो आप इसको आसानी के साथ बना सकेंगे। लेकिन अगर आप इनको खुद से बनाना नहीं चाह रही तो आप इनको आसानी के साथ बाजार से परचेस कर सकती हैं। लाइक जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ ब्लैक कलर का धागा लगाया गया और साथ में मिरर वर्क किया गया है, तो ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास बैंगल्स तैयार हो जाएंगी। जैसा कि आप इनको देख रहे हैं, इस तरह की बैंगल्स ज़्यादातर ब्राइडल में पहनती हैं, तो इन ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास ब्राइडल्स के लिए भी तैयार हो सकती हैं इस तरह की बैंगल्स। तमाम डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और अच्छे अच्छे हैं, यकीनन आपको तमाम डिज़ाइन आइडियाज़ अच्छे लग रहे होंगे, और या तो आप इनको परचेज़ करना चाहेंगे, नहीं तो आप खुद से भी बनाना चाहेंगे। जैसे कि इसके ऊपर काम किया आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिरर वर्क भी किया गया है और साथ साथ में मोतियों का काम भी किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये डिज़ाइन अच्छे लगे, तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेहर मलिक फैशन एंड ब्यूटी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस किस्म की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, आप उनको देखते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।